अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहतमंद रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। खूबसूरत लगना, जवान रहना और स्किन का ग्लो करना किसको पसंद नहीं होता। हर शख्स चाहता है कि उम्र के हर हिस्से में वो चमकता दमकता रहे, खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। और ये एक इंसान का हक भी है कि वो अच्छा नज़र आए। लेकिन महंगाई के इस दौर में इंसान अपने घरेलू ज़रूरतें पूरी करे या पार्लर में जाके फेशियल कराए या महंगी महंगी क्रीमें ख़रीदे, तो ये सब आजकल बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। इस महंगाई को नज़र में रखते हुए और जो है आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते हुए मैं एक रेमेडी लाई हूँ और इसको आप अप्लाई करें फेस पे। घर में देखें, सारी किचन में जो हमारे मौजूद होती हैं ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें हैं, उनका हमने पेस्ट बना लेना है और फिर हमें इसको फेस पे अप्लाई करना है। ये मैंने लिया है सिर्फ 2 चमचे बेसन, ये थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा रंग पीला हो जाएगा। ये है दही 2 चमचे और ये है शहद, ये भी मैंने 2 चमचे लिया है। देखिए, अब हम दही में ऐड कर रहे हैं बेसन, हल्दी और शहद। अब हम इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे ब्रश की मदद से। ये देखें, ये मिक्सचर इस तरह से बन गया है हमारा। ये हल्दी का कलर नहीं है, हल्दी हमने बहुत थोड़ी सी ली है, ये बेसन है और शहद है, इसकी वजह से ये इतना पीला लग रहा है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे फेस पे, लेकिन ये कि मैं आपको हाथों पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको अप्लाई कर लिया है पूरे हाथ पे और हम इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। देखें जी, 10 मिनट ये लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है ये, लेकिन इसमें हमने शहद डाला हुआ है तो इस वजह से इसमें देखें आपको थोड़ा थोड़ा ये आपको लग रहा होगा ये चिकना हो रहा है, और दही है उसकी वजह से भी जो है ये ग्लो कर रहा है अभी हाथ। अभी इसको हम वॉश करेंगे, उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखिएगा। इसको हम ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए जी रिजल्ट, ये इस हाथ पे हमने अप्लाई किया था पेस्ट और स्पिनिंग किया था, आप फर्क देख सकते हैं। ये कैमरा पता नहीं इसको इस वक्त कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा क्लियरली, लेकिन इस वक्त ये हाथ इतना सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस इस हाथ में आ गई है और इसमें साफ फील हो रहा है कि ना ये खुरदुरा है और इसमें चमक भी आ गई है और सॉफ्टनेस भी बहुत आ गई है। इसको आप 7 डेज लगाएं अपने फेस पे और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद अप्लाई किया है अपने फेस पे, क्योंकि मैं फेस दिखा नहीं सकती, लेकिन मैंने अभी अभी अपने फेस पे लगाया हुआ है और ये सिर्फ हाथों पे आपको लगा के मैंने दिखा दिया। इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये बहुत सस्ता जो है फॉर्मूला है इसको कहने आप। और मुझे कमेंट में बताइए अगर आपने अप्लाई किया हुआ हो उसके रिज़ल्ट आपको कैसे मिले। चले जी, फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।